कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत ट्रेन से ट्रेवल करते हुए हर रोज ट्रेन की खिड़की से एक कपल पर नजर रखती है और उस औरत का नाम है रेचल। और उसी कपल के घर के पास ही रेचल के एक हस्बैंड का घर भी है। रेचल का एक हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया है और उसका अब एक छोटा बच्चा भी है। दरअसल रेचल और उसके हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब रेचल को ये पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती तो वो बहुत डिप्रेस रहने लगी और डिप्रेशन में उसने ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से उसे ब्लैक आउट्स होने लगे और वो कभी कभी उल्टे सीधे हरकतें करती थी। उसके बाद एक दिन रेचल के हस्बैंड के बॉस के घर में रेचल ने शराब के नशे में उसके बॉस की वाइफ के साथ बदतमीजी किया था, जिसके वजह से रेचल के हस्बैंड का जॉब चला गया था। हालात दिन ब दिन बदतर होने की वजह से रेचल के हस्बैंड रेचल के साथ नहीं रह सका और उन दोनों का डिवोर्स हो गया। उसके बाद से ही रेचल अपने एक फ्रेंड के साथ रहने लगी, लेकिन डिवोर्स के बाद भी रेचल अपने हस्बैंड को और उसकी नए वाइफ को बार बार कॉल किया करती थी, जिससे वो लोग डिस्टर्ब होते थे। ट्रेन से जाते वक्त रेचल एक और कपल को फॉलो करती थी और वो देखती थी कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रेचल भी चाहती थी कि उसकी जिंदगी भी ऐसी ही हो। रेचल जिस कपल को फॉलो करती थी उन लोगों का नाम था स्कॉट और मेगन। मेगन रेचल के एक हस्बैंड टॉम के घर में ही उसके बच्चे की नैनी का काम करती थी। मेगन की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं थी और वो एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा रही थी। मेगन अपनी जिंदगी के बारे में अपने डॉक्टर को बताया करती थी और उसके डॉक्टर को उससे हमदर्दी थी और वो उसे मेंटली सपोर्ट किया करते थे। एक दिन मेगन टॉम के नए वाइफ एना से ये कहती है कि उसे दूसरी जॉब मिल गई है और वो ये जॉब छोड़ना चाहती है। एक दिन रेचल ट्रेन से देखती है कि मेगन एक दूसरे आदमी को किस कर रही है और ये देखकर रेचल को लगता है कि मेगन अपने पति को धोखा दे रही है। ये बात रेचल से बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि उसे हमेशा से यही लगता था कि मेगन और उसके पति एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और वो उन दोनों की खुशहाल जिंदगी जैसी ही एक जिंदगी चाहती थी। उसी दिन शाम को वापस लौटते वक्त रेचल ट्रेन से उतर जाती है और वो मेगन से मिलकर उससे बात करना चाहती थी और थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में उसे मेगन दिखती है। वो उसका पीछा करती है और उसे जोर जोर से पुकारती है। इस इंसिडेंट के अगले दिन जब रेचल की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने ही कमरे में है और उसके बॉडी में बहुत सारी चोटों की निशान भी है और अपने ब्लैकआउट की प्रॉब्लम के दौरान पिछली रात को क्या हुआ था ये रेचल को बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन रेचल को इतना समझ आ गया था कि पिछली रात को बहुत ही बुरा कुछ हुआ था और वो उस रात के बारे में सब कुछ याद करने की कोशिश करती है। उसके बाद दो डिटेक्टिव्स रेचल के घर में आते हैं और रेचल को ये पता चलता है कि मेगन उसी रात से मिसिंग है और डिटेक्टिव्स उससे इसलिए पूछताछ करने के लिए आए थे क्योंकि उस रात को रेचल को उस एरिया में देखा गया है। उनमें से एक डिटेक्टिव का नाम है रायली और डिटेक्टिव रायली रेचल से पूछताछ करती है और वो उसे पूछती है कि वो हर रोज न्यूयॉर्क सिटी क्यों जाती है जबकि उसे एक साल पहले ही जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन रेचल इन सारी बातों का ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाती है और उसके बाद डिटेक्टिव रायली वहाँ से जाने लगती है और रेचल उन्हें ये कह देती है कि उसने ट्रेन से मेगन को एक अनजान इंसान को किस करते हुए देखा था। लेकिन डिटेक्टिव रायली रेचल से पूछते है कि वो उन लोगों को जानती ही नहीं है तो उसे उनके बारे में कैसे पता। इस बात के जवाब में रेचल कहती है कि वो ट्रेन से उन लोगों पर नजर रखती थी और ये सुनकर डिटेक्टिव रायली रेचल को वार्निंग देती है क्योंकि उन्हें ये पता है कि रेचल अपने एक्स हस्बैंड टॉम और उसकी वाइफ एना को फोन करके और उनके घर में जाकर उन्हें तंग करती है और वो उन सब से रेचल को दूर रहने के लिए कहती है। उसके बाद एक दिन रेचल मेगन के हस्बैंड
स्कॉट से मिलने के लिए जाती है और वो स्कॉट से कहती है कि वो मेगन की एक फ्रेंड है। उसके बाद रेचल स्कॉट को ये कह देती है कि जिस दिन से मेगन मिसिंग है उस दिन सुबह को उसने मेगन को एक अनजान इंसान को किस करते हुए देखा था। और उसके बाद स्कॉट रेचल को मेगन की साइकेट्रिस्ट की एक फोटो दिखाता है और थोड़ी देर देखने के बाद रेचल उस फोटो को देख कर पहचान जाती है कि हाँ, उस दिन मेगन के साथ यही आदमी था। उसके बाद स्कॉट उस साइकेट्रिस्ट के बारे में पुलिस को बताता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के दौरान वो साइकेट्रिस्ट उल्टा ये कहता है कि मेगन अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उसका हस्बैंड स्कॉट उसे इमोशनली टॉर्चर करता था। उसके बाद एक दिन मेगन की बॉडी मिलती है और पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि मेगन प्रेग्नेंट थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का सेकेंड पार्ट ज़रूर देखें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल में आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।